Sai Ram, Sai Shyam, Sai Hanumana, Darshan Devat, Jaise Jiyamana. Sai Shiv, Sai Nath, Sai Ganesha, Bhaktan Ke Sang, Rehet Hamesha, Shish Jhukao, Mil Kar Gao. सबका मालिक एक तुम्हारा कल्याण हो हंसराज, कैसे हो? जिसके साथ आपकी दुआ हो साईं बाबा, उसमें किसी की भी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आपकी कृपा से ठीक हूं साईं बाबा, धंधा व्यापार भी अच्छा है। हंसराज जी, देवा ने इतना कुछ कहा कि रुपए पैसे के पीछे मत भागो, और आप हैं कि पैसों के पीछे भागते ही जा रहे हैं। साईं बाबा के आशीर्वाद से पैसा मेरे पीछे भाग रहा है गुरुजी। हंसराज, श्यामा को दूसरों के साथ हंसी मजाक करने में, दूसरों का उपहास उड़ाने में खुशी मिलती है। गुरुजी, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, इसीलिए निर्विकार के करीब हूं। साईं बाबा, इस वर्ष धंधे में अच्छा मुनाफा हुआ है। मैं चाहता हूं हमारे गांव के लिए एक धर्मशाला बनवा दूं, यात्रियों की सुविधा के लिए। इस काम के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए था साईं। उठो हंसराज, अच्छे काम के लिए मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और श्यामा गुरुजी के साथ वो कौन है द्वारका नाथ जी? पहले शिरडी में उसे कभी नहीं देखा। अरे कितनी शांति में बिल्कुल। अरे वो साईं बाबा तुम्हें देखने देगा, तब तो देखोगे ना। मतलब साईं बाबा उसे छुपा के रखते हैं? अरे तुम बेवकूफ हो, वो पैसे वाला व्यापारी है ढोंडिया। द्वारिका नाथ जी, साईं बाबा और व्यापार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है द्वारिका नाथ जी। अरे उस साईं बाबा के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और, समझे ढोंडिया? मुंह में राम, बगल में छुरी। आप अपने बारे में बोल रहे हैं, अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ आपको। मैं तो साईं बाबा के बारे में बोल रहा था, मैं बाबा को जानता हूँ। तो मुझे भी ठीक तरीके से जान लो धोंडिया। जो मेरा अपमान करता है ना, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, बदला जरूर लेता हूँ धोंडिया। अब चले। चल। महालसापति जी, वो तो ठीक है, लेकिन आज साईं बाबा का संकेत कुछ अलग ही था ना? हाँ नूरबा जी, आज तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि साईनाथ ने रुपयों पैसों पर प्रवचन क्यों किया। हंसराज जी को देखकर दिया होगा। नहीं तात्या,
जो साईं बाबा को जानता है वैसा कभी नहीं कहेगा। रुपयों पैसों पर साईं बाबा के प्रवचन के पीछे मकसद कुछ और ही है। देवा ने ऐसा प्रवचन आपके आने के बाद ही दिया है हंसराज जी। इस प्रवचन का मतलब क्या है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा मालसापति जी। हाँ चलिए आइए। चलिए। मैं अपने भक्तों को इशारा करता हूँ, संकेत करता हूँ और सावधान करता हूँ कौन से रास्ते में कांटे फैले हैं और कौन से रास्ते में फूलों की बरसात, ये भी मैं बताता हूँ। भक्तों को सतर्क करना, भक्तों का मार्गदर्शन करना, ये उनका गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है। रास्ते में यदि कहीं गड्ढा हो तो भक्तों को उसकी सूचना देना एक गुरु का उत्तरदायित्व है। पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है, और पैसा इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है, और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतघ्न हो जाता है। पैसों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान मालिक को भूल जाता है, और जब अधोपतन की आखिरी सीढ़ी उतरकर अपने पतन का दरवाजा खुद खोलता है तब उसे मालिक की याद आती है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि पैसे के लालच में उसने जितने भी पाप किए हैं उससे मालिक ही उसे मुक्ति दे सकता है, पैसा नहीं। धन तो जीने का एक साधन मात्र है, और मालिक का स्मरण जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा धन। सबका मालिक एक। आइए हंसराज जी, आइए गुरु जी। अरे शिवू, शिवू, देखना तो कौन आया है। नमस्कार हंसराज जी, ये है मेरी पत्नी। नमस्ते शिवू, ये है मेरे स्नेही हंसराज जी। बड़े आदमी है। आप लोग बैठिए। बैठिए बैठिए। भाभी जी, हम तो छोटे आदमी हैं, बड़े तो महालसापति जी हैं जिनके ऊपर साक्षात भगवान का वरद हस्त है, जिनका नाम है साईं बाबा। लीजिए। महालसापति जी की वजह से ही तो साईं बाबा की मुझ पर विशेष कृपा है। हंसराज जी, साईं बाबा का भी महालसापति पर ही ज्यादा भरोसा है। अच्छा महालसापति जी, अब मैं चलता हूं, मुझे नासिक भी जाना है। अगली बार जब आएंगे तो समय निकाल कर आइएगा। आपका आदर आतिथ्य करने का हमें मौका दीजिएगा। हम गरीब जरूर हैं हंसराज जी, पर अपने अतिथि का आदर सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अच्छा सुनिए सुनिए, डोराले से पत्र आया है। डोराले से? हाँ। हमारी जान की बिटिया ने क्या लिखा है? पैसों की जरूरत है उसके ससुराल वालों को, आपसे पैसे मांगे हैं। इतने पैसे मैं कहां से दूंगा? क्या जान की बिटिया हमारी हालत नहीं जानती? देखो ससुराल में बेटी पराधीन होती है, उसे जैसे बोला होगा उसने लिख दिया होगा। फिर भी
हम अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं ये तो तुम भी जानती हो, और हमारी जान की बिटिया भी। फिर भी ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं मजबूर हूँ शिवो, मैं जानकी की मदद नहीं कर सकता। साईनाथ का आशीर्वाद जानकी के साथ है, साईनाथ ही उसकी मदद कर सकते हैं। देवा, देवा, आओ श्यामा आओ। अरे आप खुद ही बुलावा भेजते हैं और आप ही कहते हैं आओ श्यामा आओ। मैंने कहा तुम्हें बुलावा भेजा श्यामा? आपके बुलाए बिना कोई द्वारिका माई में कदम रख सकता है देवा? तुम मुझसे झगड़ा करने आए हो क्या? पूछने आया हूँ, आज अचानक आपने रुपए पैसों पर प्रवचन क्यों दिया? श्यामा, मैं तुम सबका कल्याण चाहता हूँ, रुपए पैसों के चक्कर में मत पड़ो तुम। मैं नहीं, महालसा पति पड़ा है। अरे तुम महालसा पति की फिक्र क्यों करते हो? आप भी कहां फिक्र करते हैं, आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर श्यामा। आप हर बात इतनी सहजता से क्यों लेते हो देवा? कौन सी बात? बस बस इसीलिए मुझे आप पर गुस्सा आता है देवा। गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर बैठा रहता है श्यामा। अरे आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं देवा। अरे महालसा पति की बेटी जानकी के ससुराल वालों ने महालसा पति से पैसों की मदद चाही है। श्यामा, वो सब महालसा पति और उसके संबंधी देख लेंगे, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? आज ही आपने पैसों के चक्रव्यूह में ना फंसने का उपदेश दिया है देवा, और आज ही महालसा पति पैसों के चक्रव्यूह में फंस गया। तो तुम क्या चाहते हो श्यामा, बोलो। आप महालसा पति को पैसों के चक्रव्यूह से निकालिए देवा। और महालसा पति स्वयं चक्रव्यूह में फंसना चाहेगा तो? सबका मालिक एक। दादी माँ, क्या बात है चिंटू, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी नौकरी तो सही सलामत है ना? माँ, यात्रा की टिकटें मिल रही हैं, मैं पूछ कर आया हूँ। परंतु चिंटू बेटा, बारिश के बाद ही यात्रा करने का तय किया है हमने। आपने ठीक सोचा है चाचा जी, ये देखे यात्रा के लिए फल लाया हूँ। फल फल तो हम खाएंगे ही, खाते खाते ऐसा ही सोचेंगे कि हम यात्रा कर रहे हैं। चिंटू, शॉल। हाँ दादी माँ, आपको कभी कभी ठंड ना होते हुए भी ठंड लगती है ना? दादी माँ। आज तुम बहुत खुश हो ना चिंटू, और तुम जो अपनी खुशी में हमें शामिल करते हो ना, ये तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है। पिताजी, आज आपका जन्मदिन है। चलो आंखें बंद करो, हाथ आगे करो, अभी आंखें खोलना मत अभी। पिताजी, नई किताबें। चित्रकला के रंगों की पेटी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। उमा, तुम नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? अपने लिए क्या लाए हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम सबके चेहरों पर खुशी देखकर ही खुश हो जाता हूँ।
जो दूसरों की अंधेरी राहों में रोशनी के दीप जलाता है, उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं होता, क्योंकि स्वयं मालिक उसके जीवन में समृद्धि की रोशनी फैलाने वाले दीप जलाता है। जो दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश होता है, उसे मालिक कभी दुखी नहीं करता, बल्कि दूसरों को खुशी देने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करता है। आपकी नौकरी स्थायी हुई क्या? नहीं। तो फिर ये सब खुशी? ये खुशी एक और अवसर मिलने की है। कैसा अवसर? परीक्षा में बैठने का। क्या? हाँ उमा, अगर आने वाली परीक्षा में मैं पास हो जाता हूँ तो मेरी नौकरी अस्थाई हो जाएगी और मेरी तरक्की भी हो जाएगी, है ना भगवान? हमारे लिए भगवान सुनता भी और देखता भी है। हाँ भाई, इस दुनिया में भगवान है और तुम्हारे लिए तो पक्के हैं। जब हमें लगता है कि हमारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब निराशा का अंधेरा मन पर छाने लगता है, तब अचानक कहीं से हमें आशा की किरण दिखाई देती है, तो हमें साक्षात्कार होता है कि मालिक है, ईश्वर है, भगवान है। जब दुखों का पहाड़ हम पर गिरता है और हमारा दिल रोता है, तब कोई आकर हमारे आंसू पोंछता है, हमारे घावों पर फूंक मार कर उसे शीतल करता है, तब ऐसा एहसास होता है कि मालिक है। कभी कभी हमारे दिल में ये भावना जोर पकड़ती है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, तब अचानक कोई हमारा साथ देता है, हमारे दुख सुख बांटता है, हमें दिलासा देता है, तो हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ मालिक है, ईश्वर है। इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। ऐसे समय ज्ञानी, विद्वान, संत, महंत कहते हैं, जिंदगी में राम नहीं है। राम मतलब चैतन्य, राम अर्थात शुद्ध, राम का अर्थ ही है सत्य और सत्य आचरण, राम का मतलब यह है मालिक, भगवान, ईश्वर। लेकिन ये धारणा गलत है कि जब तक आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप राम के साथ हैं। जब आप सत्य के मार्ग से भ्रष्ट होते हैं, तब भी राम आपके साथ होता है, जो आपको सत्य के मार्ग पर लाने की हर कोशिश करता रहता है। सबका मालिक एक। क्या सोचा है आपने? गरीब सिर्फ सोचता है शिव, लेकिन अपनी सोच पर अमल करने की उसमें ताकत नहीं होती। जानकी हमारी बेटी है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते शिव। आपके निर्णय पर ही हमारी बेटी जानकी का भविष्य निर्भर है जी। जानकी बेटी का भविष्य खंडोबा पर निर्भर है। आप ही तो जानकी के खंडोबा है जी। बस करो शिबू, बस करो। क्या आप कहना चाहते हैं कि अब आपका और जानकी का कोई रिश्ता नहीं रहा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ शिबू। जानकी को निराश मत कीजिए, उसे उसके ससुराल वालों की नजरों में गिरने मत दीजिए। मैं क्या करूं शिबू, तुम ही बताओ मैं कहां से पैसे लाऊं? हमारे पास ना ही जमीन है ना जायदाद, मैं मजबूर हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं तो साईनाथ से प्रार्थना। साईनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में हमारी बेटी जानकी को अमीर बाप की बेटी बनाना।
मालिक के होते हुए इंसान अपने आप को मजबूर क्यों समझता है? क्या उसका मालिक पर विश्वास नहीं है? क्या वो मालिक पर भरोसा नहीं करता? जब मालिक अपने भक्तों की चिंता का बोझ खुद उठा लेता है तो भक्त को चिंता से व्याकुल होने की जरूरत क्या है? अगर उसे यकीन नहीं है कि मालिक उसके आंसू पोंछने आएंगे तो इंसान को ये बात अच्छी तरह से मन में बसा लेनी चाहिए कि मालिक अपने भक्त को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मालिक हजारों कानों से सुनता है, हजारों आंखों से देखता है। जब भक्त के मुंह से दर्द की आह निकलती है तो मालिक उसे तुरंत सुन लेता है और भक्त की सहायता करने के लिए चल पड़ता है। जब इतना बड़ा सहारा है तो इंसान अपने आप को अकेला क्यों समझता है, क्यों निराश होता है? उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मालिक भक्तों के साथ होता है, भक्तों का साथ देता है, भक्तों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है। जब मालिक साथ है तो इंसान मजबूर क्यों? सबका मालिक एक। महालसापति जी, महालसापति जी, महालसापति। प्रणाम भाभी जी। महालसापति जी कहाँ हैं? मैं उन्हें ये पोटली देने आया हूँ। क्या है इसमें? कुछ रुपये हैं, आप इसे रख लीजिए, जब वो आए तो उन्हें दे दीजिएगा। रुपए? कैसे रुपए? महालसापति जी इस वक्त परेशानी में हैं, उन्हें पैसों की जरूरत है, ये पैसे उनको काम आएगा। ये सच है कि हमारे पति परेशानी में हैं, हमें हमारे बेटी के ससुराल वालों को पैसे देने हैं, लेकिन मैं ये पैसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? कैसे स्वीकार करूं? किस आधार पर स्वीकार करूं? पैसे लेने के बाद वापस देने भी पड़ते हैं, हम कहां से लौटाएंगे आपके पैसे? मैं ये पैसे दान के रूप में दे रहा हूं, और दान में लिया गया धन लौटाया नहीं जाता। आपको लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कृपया आप इसे रख लीजिए। मैं नहीं। भाभी जी आप हिचकिचा क्यों रही हैं? ये साईं बाबा की प्रेरणा है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, साईनाथ ऐसी प्रेरणा नहीं दे सकते। साईं बाबा हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाना चाहते हो? मुक्ति का मार्ग धन नहीं हो सकता शेबू। क्या साईं बाबा हमारी परेशानियों को रुपए पैसे की प्रेरणा देकर दूर करेंगे? तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं महालसापति जी? ना आप गलत हैं और ना ही मेरा विश्वास, लेकिन मेरा विश्वास मुझसे कह रहा है कि साईनाथ ऐसे गलत मार्ग पर चलने की मुझे कभी प्रेरणा नहीं देंगे जो आप मुझे बता रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम शायद साईनाथ को स्वयं में महसूस नहीं कर रही हो। यदि तुम साईनाथ को स्वयं में महसूस करती तो तुम ये प्रश्न नहीं करती। तुम्हें तुम्हारी परेशानी विचलित तो करती पर उद्वेलित नहीं। महालसापति जी लगता है मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है। मुझे प्रेरणा मिली है इस बात पर आपको यकीन नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ साईं बाबा के पास चलिए,
यदि वो ये कह देते हैं कि मुझे मिली प्रेरणा गलत है तो आप मेरी ये मदद स्वीकार नहीं कीजिएगा। मैं विश्वास कर लूंगा कि जो प्रेरणा मुझे मिली थी वो साईं बाबा की प्रेरणा नहीं थी। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर सदगुरु की प्रेरणा क्या है? सदगुरु की प्रेरणा वो मार्गदर्शन है जिस पर चलकर शिष्य अपनी परेशानियों से मुक्त होता है। सदगुरु की प्रेरणा कब मिलती है? सदगुरु की प्रेरणा तब मिलती है जब भक्त अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर गुरु की छत्र छाया में गुरुमय हो जाता है। वो सब कुछ गुरु को समर्पित कर सत चित और आनंद के रस में डूब जाता है। जब वो डूबता है तब उसे मार्गदर्शन मिलता है। वो मार्गदर्शन उसे दुखों से, विकारों से, परिस्थितियों के चक्रों और कुचक्रों से पार लगाता है। सद्गुरु की प्रेरणा एक सात्विक प्रेरणा है जो दुखों को, विकारों को जड़ से, मूल से दूर करने का संकेत देती है। जब ऐसे संकेत मिलें तो भक्तों को इसे गुरु का संकेत समझना चाहिए। यही संकेत सद्गुरु की प्रेरणा कहलाती है।
सबका मालिक एक। बाबा, मुझे भी प्रेरणा मिली थी साईं बाबा, जिस वजह से महालसापति जी की मैं मदद करना चाहता था। हंसराज, तुम महालसापति को पैसों से दूर ही रखो, महालसापति भी पैसों से दूर ही रहे। महालसापति को ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। साईनाथ, राम राम राम, अब ये सारा घपला 40,000 का ही है। बैजी, लो आगे आपका तोता बैजी। राम राम राम, बोलो मेरे तोते, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? हैं? चिल्ला नहीं रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। बैजी, बैजी, बैजी। गधे कहीं के, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ फिर भी तुम पुकारते जा रहे हो। वैजी वैजी वैजी, मुरा कहीं के। अरे वैजी, पहले इससे पूछिए तो सही, आपको क्यों पुकार रहा है? हाँ हाँ गधे, अभी मुंह खोल कर क्यों खड़ा है, बता क्या बात है? वैजी, वो हंसराज है ना? मर गया क्या? क्या हुआ उसका? वो बहुत सारा पैसा लेकर आया था महालसापति को देने के लिए। हाँ? राम राम राम, देखिए द्वारिकानाथ जी, हम दोनों क्या मर गए थे जो वो हंसराज उस महालसापति के लिए पैसे लेकर आया? हाँ? सत्य वचन वैजी, सत्य वचन। तो क्या किया उन पैसों का मालसापति ने? मालसापति को कहाँ मिले पैसे? तो कहाँ गए पैसे? साई बाबा ने हंसराज को कह दिया कि मालसापति को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? हम तो उस ढोंगी साईं की चालाकी पर हंस रहे हैं ढोंडिया। महालसापति को मना करके वो सारे पैसे ढोंगी साईं ने खुद रख लिए होंगे। अरे वो साईं बाबा है, द्वारिका नाथ जी नहीं, जो ऐसा गंदा काम करेंगे। ढोंडिया, चल भाग यहाँ से। जब देखो जो मन में आता है आपका ये चेला भगता रहता है। अरे छेड़िए द्वारिका नाथ जी। अच्छा नहीं किया आपने, जो घर में आती लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लेकिन शिबू, हम साईनाथ की अवज्ञा तो नहीं कर सकते। साईं बाबा के पास तो बाद में गए, आपने तो हंसराज जी को पहले ही इनकार कर दिया था। पैसा विष है शिबू, और इसी विष पर हर किसी की जीवन गाड़ी चलती है। देखो शिबू, अब हम इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जानकी का फिर से पत्र आया तो क्या कहूँ उसे? कह दूं कि अब तुम्हारी चिंता साईं बाबा को है? साईं बाबा के सामने भी आप ऐसे ही चुप खड़े थे, क्यों नहीं पूछा साईं बाबा से कि वो आपको हंसराज जी से पैसे लेने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए देवा, आपने हंसराज जी को मालसापति को पैसे देने के लिए मना क्यों किया?
श्यामा, कुछ बातों पर जोर नहीं देना चाहिए। मैंने पैसा देने से मना किया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देवा, फर्क पड़ता है। मालसा पति की बेटी जानकी को पैसों की जरूरत है बाबा। मालिक जानकी बेटी का ख्याल रखेगा नूर बाजी। हम सब कुछ मालिक पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना देवा। अरे हमें भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है श्यामा, कोई शक नहीं। आपने ही तो कहा है बाबा कि जब हम चार कदम चलते हैं तब मालिक हमारी तरफ एक कदम चलता है। हाँ, और यहाँ मालिक ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया और हम चार कदम बढ़ना चाहते थे, वो भी आपने रोक दिया। मैं महालसा पति का दुश्मन नहीं हूँ श्यामा। इसीलिए तो हम सभी को आश्चर्य हुआ है बाबा। मैं महालसा पति की योग्यता को जानता हूँ नूर बाजी। महालसा पति आध्यात्मिक पुरुष है। फिर भी उनकी जरूरत आपने पूरी नहीं होने दी बाबा। नूर बाजी, क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या सांप और नेवला एक बिल में रह सकते हैं? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह विरक्ति और आसक्ति का मेल कैसे हो सकता है श्यामा? महालसा पति विरक्त है और पैसा आसक्ति का मोहक रूप है। पैसा किसी को भी अपने वश में कर सकता है श्यामा, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से महालसा पति का अधोपतन हो और उसने अब तक जो भी तपस्या की है वो व्यर्थ हो जाए। पैसा महालसा पति के आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है श्यामा, इसलिए मैंने पैसा देने से हंसराज को मना किया। बाबा पर जानकी दीदी का क्या होगा? तात्या, मालिक ने हंसराज को प्रेरणा दी है, लेकिन उस प्रेरणा का मतलब हंसराज नहीं समझ पाया है। उसे दोष ले जाना चाहिए था, लेकिन वो शिरडी पहुंच गया। समझ गए श्यामा? आजकल मैं देख रहा हूं श्यामा, तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझसे झगड़ा करने चले आते हो, है ना? सबका मालिक एक। जी साहब। चोलकर, ये दास गणु जी हैं। चोलकर, तुम तो कोपिनेश्वर मंदिर के पास ही रहते हो ना? वहां मंदिर में दास गणु जी का कीर्तन है, सुनने जरूर जाना। दास गणु जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। साईं बाबा के भक्त? कौन साईं बाबा? इनका प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। चोलकर जी, आप जरूर आइएगा। आज की हमारी मुलाकात साईं बाबा के आशीर्वाद से हुई है। कौपिनेश्वर मंदिर में मेरा कीर्तन करना, आपका मुझसे मिलना, ये सब साईं बाबा ने तय किया है, मैंने नहीं। क्योंकि जब मैं शिरडी से वापस आ रहा था तो साईं बाबा ने मुझसे बार बार कहा था कि गणु, कौपिनेश्वर मंदिर जाना भूलना मत। जब किसी का उद्धार करना होता है तो बाबा ऐसी ही लीला रचाते हैं। चोलकर जी, आप अवश्य आइएगा जी। और साहब जी, आप तो आएंगे ही जी। मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो मेरे बुलाने पर शिरडी चला आता है। कभी कभी मेरे भक्त नहीं जानते
कि उनके और मेरे बीच जो भक्ति का संबंध है, तब मुझे उन्हें स्मरण दिलाना पड़ता है कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही मैं उनका कल्याण करता हूं, और ऐसे में कभी कभी उनकी परीक्षा भी लेनी पड़ती है। सबका मालिक एक। आपने साईं बाबा के बारे में सुना है? आज अचानक तुम्हें साईं बाबा क्यों याद आए? उनके बारे में तुम्हें किसने बताया है? मेरे अलावा कौन बताएगा तुम्हें? प्रेरणा तो मेरी ही होगी ना। किसने बताया ये तो मुझे याद नहीं, परंतु आज मैं कोपिनेश्वर के मंदिर गई थी, तब वहाँ बातचीत चल रही थी। किसकी? साईं बाबा की? नहीं, दास गणु कीर्तनकार की। मंदिर में बातें हो रही थी कि साईं बाबा शिरडी के संत हैं और दास गणु उनके शिष्य अच्छा कीर्तन करते हैं, हम कीर्तन सुनने वहाँ जाएंगे। लेकिन आप हमेशा लेकिन की दीवार क्यों खड़ी करते हैं? हम जाएंगे मतलब जाएंगे, समझ गए? मेरे पास तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, इससे तुम इनकार नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। कुछ रुकावटें तुम्हें हटानी हैं और कुछ मुझे। कड़ू का कीर्तन मेरे पास यानी शिरडी आने की पहली सीढ़ी है, समझ गए? सबका मालिक एक।